हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल विष्ट। इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हाफ एंगल किस तरह से हम निकालते हैं वो बताऊंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की, जिनमें हमें हाफ एंगल निकालना होता है। जैसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हाफ एंगल निकालने पड़ते हैं, जैसे हमारा 30 का हाफ 15 डिग्री का निकालना होता है, या फिर 45 का हाफ निकालना पड़ता है, या फिर 90 का हाफ निकालना पड़ता है। तो देखिए, इनको निकालने के लिए हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेथड होती है, हमारे फॉर्मूले होते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। हम जो है साइड की हैंड से, एक ट्रायंगल के साइड की हैंड से उसके जो हाफ एंगल होते हैं उनको निकालते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे एक सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक त्रिभुज को ही लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से एक त्रिभुज लिया, इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। और मान लीजिए इसकी जो साइडों की लेंथ है वो यहाँ पर ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। ये स्मॉल लेटर में जो साइड हैं और ये एंगल जो हैं ए बी सी कैपिटल हैं। तो अब देखिए, इसके लिए फॉर्मूले जो हमारे होते हैं, जैसे आपको निकालना है एंगल ए का आधा। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर एंगल, यहाँ पर ये मान लीजिए आपका 40 डिग्री है और आपसे पूछ दिया गया कि यहाँ पर बताइए साइन 20 कितना होगा। तो साइन 20 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपका यहाँ पर ये 60 डिग्री है और आपसे पूछ लिया गया कि 30 डिग्री कितना होगा। तो आप इनकी साइडों का यूज़ करके देखिए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पढ़ेंगे साइन के लिए, उसके बाद हम कॉस के लिए पढ़ेंगे, और टेन के लिए हम साइन और कॉस के एन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन के लिए पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एंगल ए का आधा बताना है, हाफ ऑफ एंगल ए बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए साइन, फर्स्ट हमारा फॉर्मूला यहाँ पे साइन ए अपॉन टू आपको निकालना है मान लीजिए इसके लिए। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आएगी वैल्यूज आपकी, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को गौर से देखिए आप, साइन ए अपॉन टू का यहाँ पे देखिए आपका एस माइनस बी और एस माइनस सी आ रखा है, और जो यहाँ पे बी और सी लिया है आपने उन्हीं को नीचे मंडला कर दिया, और जो ए था आपका, जो यहाँ पे एंगल ए के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी ए वाली साइड नहीं आई देखिए। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, जब आप ए के लिए देखेंगे तो ए वाला नहीं आएगा, जब बी के लिए देखेंगे तो बी नहीं आएगा, जब सी के लिए देखेंगे तो सी नहीं आएगा, अर्थात उनसे जो अदर दो साइड हैं वो आएंगी। जैसे हमने ए को छोड़ दिया तो बची जो साइड है बी और सी, तो एस माइनस बी और एस माइनस सी। और जो यहाँ पे एस है, एस हमारा क्या है, एस हमारा एक यहाँ पे सेमी पैरामीटर है, अर्थात इसे बोलते हैं हम अर्ध परिमाप। तो एस हमारा, एस इक्वल टू हमारा क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसका है, ये त्रिभुज का है, जो हमारा त्रिभुज बना है यहाँ पे। देखिए परिमाप जो होता है हमारा, सभी साइडों का योग होता है, सभी साइडों का सम होता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी हमारा सम हो गया, और उसका हम जब आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो हमें उसका अर्ध परिमाप मिल जाता है। तो यहाँ पर ये एच की वैल्यू है, जो यहाँ पर एच दिख रहा है आपको। अब देखिए हम यहाँ पर, यदि आपको एंगल इसका आधा पूछा गया तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया, और वैसे यदि आपको साइन बी अपॉन टू पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एच माइनस, अब आप बी को नहीं लेंगे तो सी, और एच माइनस ए, तो बचे आपके सी और ए को ले लिया आपने, और अपॉन सी ए आ जाएगा, उन्हीं को मंडला कर दिया नीचे जो लिया आपने। और वैसे ही आप यहाँ पर साइन सी अपॉन टू को भी निकाल सकते हैं सेम केस है, केवल आप एंगल यहाँ पे सी लिया तो आपने सी साइड को छोड़ दीजिए, तो एच माइनस ए और एच माइनस बी अपॉन दोनों का मंडला कर देंगे ए बी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे साइन के लिए यहाँ पर हाफ एंगल मिल गए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो आपके हैं सभी के लिए आपके हाफ एंगल मिल गए यहाँ पे, और इस तरह से आप जो है इजीली इनको निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अब। और वैसे ही देखिए, अब कॉस के लिए हम देखते हैं, कॉस के केस में थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे हमें कॉस ए के लिए हाफ एंगल निकालना है, तो कॉस ए अपॉन टू इक्वल टू क्या होता है हमारा, इसमें हमारा हो जाता है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंट है, यहाँ पे
आपका एक तो यहाँ पे केवल एस आएगा और दूसरा एस माइनस ए, अर्थात जिस साइड को आप यहाँ पे ले रहे हैं, जिस एंगल को ले रहे हैं, और ये एक साइड आ जाएगी आपकी एस माइनस ए करके, और एक एस वैसे आ जाएगा, और नीचे नीचे वाले साइड मल्टीप्लाई होंगी जो आपका ऊपर नहीं आया है। देखिए ऊपर यहाँ पर आपका बी और सी नहीं आए, तो उनको आप नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बी सी, और वैसे ही आपको निकालना हो कॉस, नेक्स्ट वाला कॉस बी अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या आएगा, एक एस तो आएगा ही आएगा, ये हर किसी में आएगा, और दूसरा एस माइनस, आप यहाँ पे एंगल भी देख रहे हैं तो एस माइनस या साइड बी ले लीजिए अपॉन, अब बी सी, बी से अलावा बी को छोड़ करके जो हमारी दो साइड है बची उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी के अलावा क्या बची, एक ए बचा एक सी बचा, तो ए सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाला, और आप यदि कॉस ऑफ सी अपॉन टू भी निकालना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, वही सेम केस है, यहाँ पर एस एस माइनस सी आ जाएगा अपॉन ए बी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या मिल गया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिल गए साइन और कॉस के लिए हाफ एंगल के रूप में। और अब यहाँ पर आपको यदि टेन के लिए निकालना है तो आपको पता ही है टेन के लिए क्या होता है, हमारा टेन टेन और साइन कॉस में हमारा रिलेशन होता है, तो आपको केवल इनको याद रखने की आवश्यकता है, ज़्यादा आपको इन्हीं से निकाल लेंगे। जैसे आपको टेन निकालना है, देखिए तो टेन निकालने के लिए आपको क्या होना पता होना चाहिए, आपको रिलेशन पता होना चाहिए हमारा जो टेन और हमारा जो कॉस है उनमें रिलेशन जो होता है, टेन थीटा, टेन हमने थीटा यहाँ पर कोई भी एंगल ले लिया यहाँ पर एनी एंगल यहाँ पर, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, अर्थात जो एंगल यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, साइन और कॉस रेशियो निकाल देंगे तो ये होता है। अब मान लीजिए आपको निकालना है यहाँ पर टेन ए अपॉन टू, अर्थात आपको यहाँ पर एंगल ए का सेमी एंगल निकालना है, आधा निकालना है, तो क्या हो जाएगा टेन ए अपॉन टू इक्वल टू साइन ए अपॉन टू और अपॉन कॉस ए अपॉन टू, और ये दोनों आपको पता है अभी फॉर्मूले में पढ़ाया आपने, तो उन्हीं को आप यहाँ पर रखेंगे तो उससे आपको यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी आपने पढ़ा था एंगल एस माइनस बी और एस माइनस सी और अपॉन करके क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए, तो ये आपका आ जाएगा। और जो नीचे यहाँ पे सेम देखिए जो बी सी आता है हमारा, जो यहाँ पे देखिए ए अपॉन टू में बी सी होता है अंडर रूट, और वैसे ही हमारा साइन ए अपॉन टू में भी हमारा बी सी आता है नीचे, तो कट गए यहाँ पे रेशियो करने में, और जो हमारी बची क्वांटिटी ये बची, तो ये आपका टेन ए अपॉन टू आ गया। वैसे ही आप टेन बी अपॉन टू निकाल सकते हैं, टेन सी अपॉन टू निकाल सकते हैं, तो किसी को भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, तो टेन के हमारे हो गए। वैसे ही आपको अगर निकालना है, जैसे यदि आपको टेन के बाद कॉट निकालना है, कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका वन अपॉन टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का रिवर्स जो होता है कॉट होता है, तो आप इनमें वैसे ही रख देंगे तो आपको यहाँ पर कॉट के मिल जाएंगे सभी। जैसे आप कॉट ए अपॉन टू निकालना, आपको आप क्या करेंगे कॉट ए अपॉन टू के लिए वन अपॉन टेन ए अपॉन टू कर देंगे, और वैसे ही आपको यदि यहाँ पे कोशेक का चाहिए तो कोशेक कोशेक थीटा इक्वल टू आपको पता है वन अपॉन साइन थीटा, और इसमें आप रखेंगे सीधे, आपको यदि यहाँ पर मान लीजिए कोशेक ए चाहिए ए अपॉन टू चाहिए हाफ एंगल चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वन अपॉन साइन ए अपॉन टू, तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। और वैसे ही यदि आपको यहाँ पर शेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा होता है, या यदि आपको यहाँ पे सेक ए अपॉन टू हाफ एंगल चाहिए तो क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए अपॉन टू, तो इस तरह से आपको केवल यहाँ पर साइन और कॉस को याद रखने की आवश्यकता है, और उसमें भी आप जो है एक एंगल के लिए देख लेंगे तो अदर एंगल वैसे ही आपको आ जाएंगे, और अदर जो भी एंगल हैं उनको आप जो है इन्हीं के हैंड से निकाल सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप हाफ एंगल के लिए उनसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों, इनका यूज अक्सर हमारे जो है क्वेश्चनों में होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे जो है क्वेश्चन ज्योमेट्री में हमारे इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में जिनमें हमें साइड के हैंड से एंगल निकालने पड़ते हैं। अब मान लीजिए आपको वहाँ पर जो भी साइडें दी होंगी, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अभी, अब आपको वहाँ पर एक ट्रेंगल दे दिया जाएगा, एक त्रिभुज दे दिया जाएगा जिसकी आपको सभी साइडें दी होंगी, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, और एंगल वैसे ही ए बी सी दिया आपको यहाँ पे साइड है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया हो
कि आपको बताना है साइन ए अपॉन टू। तो आप क्या करेंगे वहां पे, साइन ए अपॉन टू का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें आप सीधे रख देंगे। आप सबसे पहले एच को निकालेंगे, एच को आपने रफ में निकाल लिया, एच इक्वल टू आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, टू प्लस थ्री प्लस फोर अपॉन टू, तो ये आ जाएगा आपका। और वैसे ही आपने इसको, जैसे इसको आपने ए माना है, ए इक्वल टू ये है आपका, ये आपका बी इक्वल टू है और ये आपका सी इक्वल टू है। तो यहाँ पर ए बी सी आपको पता है, तो सीधे आप इनकी वैल्यूज जो है फॉर्मूले में पुटअप करते जाएंगे तो आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए अपॉन टू के लिए एस माइनस, अब ए के लिए तो ए नहीं आएगा बी, और एस माइनस सी अपॉन बी सी, इसमें रख दीजिए, सीधे आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे अदर क्वेश्चन, अदर रेशियोज को निकालने के लिए वैसे ही करना है आपको। अब आपसे इसका हाफ एंगल पूछ लिया गया तो आपने इसको निकाल लिया, या आपसे पूछ लिया गया हो इसका हाफ एंगल या फिर इसका, तो सभी को आप इस तरह ही निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा किस तरह से हम यहाँ पे हाफ एंगल के लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को निकालते हैं, एक त्रिभुज की जो जो भुजाएं होती हैं उनके एंड से। तो इस तरह से आप इनके फॉर्मूलों के यूज जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक्स।